juniors. I am Komal teacher. Children, we are learning about shapes. Yes, you know, right? We are learning about shapes. So today also I'm going to show you one basic shape. We have today with us square. This shape is called square. Why is this called square? Because it has four sides which are same from everywhere. ये साइड यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है. स्क्वायर उसे बोलते हैं जो फोर साइड से सेम होते हैं. स्क्वायर के फोर साइड्स होते हैं और फोर कॉर्नर्स. दिस इज कॉर्नर. वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर. वन टू थ्री एंड फोर. दिस इज स्क्वायर शेप. हम इसे ऐसे देखेंगे तो भी स्क्वायर दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो भी स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी वो फर्स्ट साइड थी जो टीचर ने दिखाई थी. बिकॉज दिस इज स्क्वायर. राइट चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया? फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स जो इक्वल होते हैं सब जगह से, उसे कहते हैं स्क्वायर. चलो हम देखते हैं हमारे घर पे ऐसी कौन सी चीजें स्क्वायर शेप की हो. आपको पता है आपके घर पे शायद ऐसी क्लॉक होगी. वन टू थ्री फोर, चारों साइड सेम होगी, उसे कहते हैं स्क्वायर शेप. मेरे घर की क्लॉक स्क्वायर शेप की है. चिल्ड्रन, डू यू यूज दिस हैंडकरचीफ? ये भी स्क्वायर शेप का है. द हैंडकरचीफ विच यू यूज, मे बी इट इज अ स्क्वायर शेप हैंडकरचीफ. नाउ टेल मी व्हाट शेप इज दिस बॉक्स. ये बॉक्स कौन सी शेप का है? चलो देखते हैं. वन साइड, टू साइड, थ्री एंड फोर्थ साइड. और इसके कॉर्नर्स देखते हैं. वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर एंड फोर कॉर्नर. दिस इज स्क्वायर शेप. कैसे पता चला स्क्वायर शेप है? क्योंकि इन चारों बाजू से इक्वल दिखता है. राइट? आप लोग घर पे इंडोर गेम खेलते हो, लूडो, चेस, राइट? ये भी स्क्वायर शेप का है ना? आप खेलते हो ना घर पे, ये स्क्वायर शेप का है. राइट? कैरम बोर्ड इज ऑल्सो ऑफ स्क्वायर शेप. ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो स्क्वायर शेप की होती है. आप जैसे क्राफ्ट पेपर भी जो यूज करते हो वो भी तो स्क्वायर शेप का है. मेरे घर की प्लेट जिसमें मैं खाना खाती हूँ वो भी स्क्वायर शेप की है. सो चिल्ड्रन, आपकी फेवरेट बिस्किट जो है ये भी तो स्क्वायर शेप की है. राइट चिल्ड्रन? सो नाउ आई होप यू आर क्लियर व्हाट इज स्क्वायर शेप. The most important thing which you all must be loving is slice of bread, जो square shape की है, and a slice of cheese, जो भी square shape का है ना? आप लोग खाते हो ना bread and cheese? Yes, this is also of square shape. So children, now I'm going to do an activity which is of square shape. Let us do. So children, for this activity, I have this bread slice and cheese. Yes, you have to make your own sandwich with cheese slice. And I have this four ice cream sticks and matchsticks. Four cube, क्योंकि square के four sides होते हैं. I have also taken this color and Fevicol. First of all, let us see how you can make square with sketch pen also. One side, two side, three side and this four side. ये हो गया मेरा square. Easy है ना? Equal pen या equal pencil से आप square shape बना सकते हो. Now this simple, you can put apply butter or jam, whatever you want. Then have to place your cheese slice and again with bread, butter or jam, you have to put like this and you can eat this. So
simple, right? Now this one more activity we have is, I'm going to make shape. So for this, I need a fevicol. और मैं आइसक्रीम स्टिक पे थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाऊंगी, यहाँ पे प्लेस करूंगी, फिर थोड़ा दूसरी आइसक्रीम स्टिक पे फेविकॉल लगाऊंगी जो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी, फिर थर्ड आइसक्रीम स्टिक पे लगाऊंगी, ये यहाँ पे मैंने प्लेस किया, और ये लास्ट आइसक्रीम स्टिक पे मैं वापस फेविकॉल लगा रही हूँ और मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ. सी आई हैव माई स्क्वायर. ये तो बिग स्क्वायर हो गया, अभी मैं छोटा स्क्वायर भी बनाऊंगी. फॉर दिस आई एम पुटिंग योर फेविकॉल लाइक दिस, और यहाँ पे मैं मेरा मैच स्टिक लगाऊंगी, फिर एक और यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे भी मैं मैच स्टिक लगाऊंगी, फिर यहाँ I am putting my matchstick over here again, and the last matchstick here. So, मेरे बड़े स्क्वायर के अंदर मैंने छोटा स्क्वायर बनाया. बड़े स्क्वायर को मैंने matchstick से बनाया और छोटे स्क्वायर को बड़े स्क्वायर को मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया और छोटे स्क्वायर को मैंने matchstick से बनाया. Now, with help of this crayon colors. You have to take any two colors. I have taken this blue and red color. With finger dabbing, I am going to color your blue and in the small square red. So I will start with red. Children, do this activity with help of your mummy and daddy. See? Finger dabbing. Yay! My small square is ready. Now with other finger I am using blue color and I am doing here. Yay, my big square is also ready. Isn't this easy activity, children? Bread and cheese slice and with ice cream stick, big square ke andar small square, easy hai, right children? So children, you have to do this activity with your mummy and daddy. Bade square ke andar chota square, big square and inside small square. So now I'm going to sing a small rhyme. You have to also sing in front of mummy and daddy. I'm a square, you can see me everywhere. I'm a square, you can see me everywhere. I have four corners, I have four sides too. I have four corners, I have four sides too. I'm same from this side, I can see me, you can see me same from here. I'm same from this side, you can see me same from here. I'm a square, you can see me everywhere. I'm a square, you can see me everywhere. So children, practice this rhyme also and do this activity very nicely, okay? Till then, bye, have a good day.